और क्या लेकर जा रहे हो आप? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आईडी वाइंस। आज हम आए हैं स्पाइस मॉल, जिसका नाम था पहले, लेकिन अभी उसका नाम हो गया है मोदी मॉल, जो कि है नोएडा सेक्टर 25A में। आप कभी भी यहाँ पर आना जाना हो तो आप ज़रूर इस मॉल को जाइए। बहुत छोटा है, लेकिन फॉर द मूवी पर्पज़ इसको बहुत यूज़ किया जाता है। आज जो हम आए हैं यहाँ पर वो डिफरेंट पर्पज़ हैं, जो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ आए हैं वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, बहुत बुरी तरह हम उसमें डिफीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंदर का देखते हैं। यहाँ पर हम फूड कोर्ट में आए हैं, पहले देख लें यहाँ पर कैसे क्या है। सब कुछ देखकर हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जाते जाते हमारे साथ जो लास्ट में हुआ है ना धोखा, हम बता नहीं सकते हम यहाँ पर क्यों आए थे और हमारे साथ यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है चल रहा है। इनकी एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी थी एक, जिसमें हम भी फंस गए। हम लोग आए तो, लेकिन हमारा कोई काम हुआ नहीं। हम लोग जा रहे हैं धीरे। अब यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा फूड कॉर्नर है, पिज्ज़ा जंक्शन है, यहाँ पर लगी हुई है। अभी हम आए हैं रात के टाइम पर, तो इतनी कुछ खास भीड़ है नहीं यहाँ पर, ठीक है चल रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली लोग मूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिनेपोलिस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मॉल के नाम पे भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको कुछ वैरायटीज़ मिल जाती है। अब हम आए हैं जहाँ पर इसके थर्ड फ्लोर पे, जिस पे यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा डेकोरेशन किया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। साइड में एक आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक मतलब बच्चों के खेलने के लिए पूरा सामान रखा हुआ है। आप यहाँ पर आके एक्टिविटीज़ करा सकते हैं अपने बच्चों को। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में एक कुछ सेल लगा हुआ है गेमिंग के लिए भी। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि हम गेम्स भी खेल सकते हैं। और हम जो फंसे थे वो यही है, ये यहाँ पे सेल के नाम पे हमें बुलाया गया था, ये सेल यहाँ पर लगने वाली है। लेकिन और थी भी सेल, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं थी, बट जो पैम्फलेट में दिया हुआ था, जो कि मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी पैम्फलेट, उस पैम्फलेट में लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 99 एंड जीन्स भी उसमें मिल रही है। और मतलब जो भी हमारी जैकेट्स हैं, विंटर वेयर्स जो भी हैं, विंटर वेयर्स की रेंज भी बहुत कम थी, वो भी जो भी ब्रांडेड थे। बट जब यहाँ आए उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, वो उसके बाद जो मेरा रिव्यू रहा वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा, ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। चलिए अब देखते हैं यहाँ की, हमने ये सब घूम फिर लिया, हमने कुछ ख़रीदा तो यहाँ से है नहीं, लेकिन हमने ये सब घूम फिर के हम जैसे ही निकले उसके बाद मेरा रिएक्शन ये था। क्यों, क्या हुआ? सेल के नाम पे, सेल के नाम पे लिखा तो वहाँ पे 99 से स्टार्टिंग है, 99 के बच्चों के निकल मिल रही है। गलत बात है, 99 में स्टार्टिंग फ्रॉम 99 जीन्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लग रहा है सेकंड हैंड। That is totally wrong. आ जाओ। मैंने सोचा था मैं जैकेट्स भर भर के लेकर जाऊंगी यहाँ से। और क्या लेकर जा रहे हो आप? मैं कुछ भी नहीं लेकर जा रही, नीलबट्टा सन्नाटा है मेरा हाथ। चलो अब गुस्सा थूक दो, अब चलते हैं। कहाँ थूकूं?